अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पाकिस्तान पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ बातों को डिस्कस किया था पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से। उसमें हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हमने स्टार्ट किया, उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। आज हम कुछ और पाकिस्तान की सियासी इंस्टेबिलिटी के पीछे जो जो अनासर दरकार थे, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आर्मी रूल, वीक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेंड्स ऑफ मेकिंग कोएलिशंस। तो इन तमाम चीज़ों को आज हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी रूल की। देखिए, पाकिस्तान जैसे ही वजूद में आया तो पाकिस्तान 2 से 3 साल बाद ही इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, और आज तक इस 70 साल तारीख में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मार्शल लॉ का भी सामना किया है। एक तवील अरसे से पाकिस्तान में मौजूदा क़यादत की जो दूसरी शक्ल रही है वो आमरियत है, डिक्टेटरशिप है। फौज की हुक्मरानी तकरीबन 3 दहाइयों पर फैली हुई है, और इन दहाइयों ने एक नई कायम रियासत में जमहूरी सियासत को जड़ें डालने ही नहीं दी। इसलिए एक नई तश्कील शुदा रियासत के लिए फौज के जो हुक्मरानी का तजर्बा रहा होता है वो रियासत के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ख़राब है। इसलिए ये सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं है, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो पावर होती है, सारा का सारा इख्तियार होते हैं, वो एक आदमी तक महदूद होकर रह जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में एक नया रियासती दायरा कायम करने के साथ साथ सियासत भी शामिल की जानी चाहिए थी, जो बार बार चलने वाली फौजी मुदाखलत के जरिए गलत रास्ते की तरफ गामजन होती गई। के अजीज ने सियासी क्यादत और आमरियत के जो मबैन फ़र्क था उसको वजाहत इस तरह की कि जो सियासी जो जमहूरी हुकूमत होती है वो लोगों की राय को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ती है, काम करती है, उसमें सियासी मशावरत के ज़रिए काम किया जाता है। लेकिन आमरियत का जो सिस्टम होता है, डिक्टेटरशिप होती है, वो एक आदमी की ज़ात तक जो फैसला उसकी नज़र में ठीक होता है वो वही, जिस तरह पुराने दौर में होता हुआ है कि बादशाह जो थे, जो फैसला उनकी नज़र में ठीक होता था वो रियासत के ऊपर इम्पोज कर दिया करते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो फैसला कर रहा है बिना किसी के सलाह मशवरे के वो ठीक हो बिल्कुल। इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ा। देखें, जो हमारे पास डिक्टेटरशिप होती है इसका जो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो उन लोगों पर पड़ता है जो आम आदमी होते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से आज़ादी हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी हैं। इंडिया के मुसलमान अपने ही मुआशरे में क़याम के आप ख्वाहिशमंद हैं, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से मुल्क की रियासती जो कवानीन हैं उनकी हदूद में रहते हुए वो क्या कर रहे हैं, उनको बेदखल कर रहे हैं अपनी शोहरियत से। इन दहाइयों में सियासी सकाफत भी ख़राब हो गई है, और इसके असरात इसके बाद भी जारी रहे, क्योंकि एक हकीकी जमहूरी निज़ाम कभी तैयार हो ही नहीं सका। इन 3 दहाइयों के दरमियान जब कभी भी जमहूरी रियासत ने अपने पैर जमाने शुरू किए तो मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया, और 30 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। आमराना सियासी जमातों ने सियासी जमातों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और सियासी जमातों के अलग होने से जमहूरियत के जो पहलू थे मुख्तलिफ सियासी इतिहादों और ग्रोहों को शामिल करके ख़त्म कर देगा, उनको दबा दिया गया, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इक्तदार में हिस्सा लेना था। के अजीज
पाकिस्तान में सियासी रुझानात के बारे में यूँ बयान करते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख और अब तक जिस तरह से सियासत का खेल खेला जा रहा है या खेला गया है, इसने जमहूरी जज्बे को ना सिर्फ कमज़ोर किया है बल्कि आमराना माजी की जो इस मजबूती को भी इस चीज़ ने बिल्कुल यकीनी बना दिया। ये पाकिस्तान की सियासत की बात हम बात कर रहे हैं। अगला जो एक फैक्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जब कभी भी गवर्नमेंट आई है जमहूरी, तो सियासी जमातों का क्या किरदार रहा है। दूसरा जो फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वीक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, पाकिस्तान के गैर मुस्तहकम सियासी हालात में इसने एक अलग सा हिस्सा डाला हुआ है जिसने पाकिस्तान की सियासी जो तस्वीर है उसको एक नए तरीके से पेश किया है। ये एक ऐसा अंसर है जो पाकिस्तान की सियासी जमातों की कमज़ोरी को जाहिर करता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जो सियासी जमातों की जो स्केल्टन है, बुनियादी जो ढांचा है, वो बहुत कमज़ोर है। इनमें पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं अपने अंदरूनी ढांचे, पार्टी इंतखाबात की अदम मौजूदगी या पार्टी पर ख़ास तौर पर किसी एक फैमिली या कुंबा या कोई ख़ास ग्रुप उसका मुकम्मल तौर पर मुसल्लत हो जाना, ये इन पार्टीज को सही तरीके से मुनज़्ज़म करने में बहुत बड़ी रुकावट है। और जो अपने वोटरों के लिहाज से पाकिस्तान पार्टी के दायराकार को महदूद करती है, और ख़ास मकासद जो दरकार होते हैं एक पार्टी के जो मंशूर होता है उसमें, वो उसको हासिल करने में नाकाम रहते हैं, जिसकी वजह से कौमी किरदार भी ख़त्म हो जाता है। सियासी जमातों की जो कमज़ोरी है तंजीम और जो नाजायज काम होते हैं वो इत्तेहादी हुकूमतों के लिए देखें राह हमवार हो जाती हैं। अब एक हुकूमत जो हर हुकूमत के लिए एक आम सी शक्ल बन चुकी है, और वह इत्तेहाद कायम रखने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हैं, और शराकत दार ग्रुपों के मुस्तकिल दबाव में भी रहते हैं। इससे होता क्या, इससे जो दाखिली और खारजी जो दोनों खितों की जो पॉलिसी होती है ना उसके ऊपर भी असर पड़ता है, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, चाहे वो हमारे पास दाखिली हो यानी इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। मुल्की और खारजा पॉलिसियों के कामयाब नफाज के लिए लोगों से भरपूर ताउन की ज़रूरत होती है। लेकिन अब देखें, सियासी जमातों की जो गलत हिकमत अमली से लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठा कर ही नहीं सकते, और बल्कि वो अपने मफादात के लिए आवाम की राय को अलग करता है और इसका इस्तेहसाल भी करता है। मजहबी और इखलाकी जमातों और पार्टियों के अंदर ग्रोहबंदी की जो अफजाइश देखने में आई है वो सियासी मंजरनामे को एक गंदे खेल के मैदान की तरह पेश करती है, जहाँ हर शख्स अपने अपने असूलों के मुताबिक खेल रहा है और अपने मफादात को तरजीह देते हुए खेल रहा है। अब जो देखें पार्टीज़ में क्या हो रहा है कि जो किसी भी पार्टीज़ के जो कायदीन होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं बाज़ुकात, बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर मजहबी रुझान बहुत ज़्यादा है, लोग मजहब से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, वहाँ के लोगों के जज्बात बढ़ाने के लिए वो मजहब का फ़िरका वारियत का जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जो कि मजहब ने माशरे में एक हसास मसले को जन्म दिया हुआ है स्टार से लेकर पूरी पाकिस्तान की तारीख में, लिहाजा ज़्यादातर जो सियासी रहनुमा होते हैं सियासी मामलों में मजहब को शामिल करते हैं। लोगों को इन ही जमातों के दरमियान कोई वाज़ह इंतखाब नहीं होता है, क्योंकि एक तो तालीम की कमी होती है जिसके और देखिए तालीम की कमी होने की वजह से वो अपने सियासी हकूक़ का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, और वो पुरानी पार्टियों में रिवायती सियासत पर इंसार करने की बजाय अपनी पार्टी भी बना सकते हैं अगर उनके पास इतना शऊर हो। तो यही होता आ रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स में, और ये बहुत बड़ी सियासी प्रॉब्लम है कि लोग मुख्तलिफ इश्यूज़ को इलाकाई बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर शख्सी वोट लेते हैं और हुकूमतों में आ जाते हैं। तीसरा जो बड़ा मसला है वो है ट्रेंड्स ऑफ मेकिंग कोएलिशंस, और ये मेरी नज़र में सबसे अहम मसला है। पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में आज जो भी हुकूमत बनती है वो इत्तेहादी जमातों के वोट देने की वजह से बनती है। एक बिल्कुल
अक्सरियत हासिल करके अगर कोई हुकूमत बने तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करती है, और ये बहुत एक ट्रेंड है पूरी पाकिस्तान की तारीख देखें तो ये एक ट्रेंड ही रहा है। पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी रुझानात मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान इतिहाद पैदा करते हैं ना। इवन मौजूदा हुकूमत में भी हमने देखा कि एम क्यू एम साथ है, जी डी ए, ये जो गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने भी पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का इलहाक किया हुआ है। इतिहाद ये जो होता है ये दुनिया के हर जगह सियासी मंजरनामे में आर्दी इंतजाम समझा जाता है, ये कोई मुस्तकिल हाल नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए एक मुइना एक तयशुदा मुद्दत के लिए, 5 साल जो जमहूरी मुद्दत होती है। ये क्या करते हैं ये, क्योंकि एक हुकूमत मुख्तलिफ ग्रोहों के मफादात पर मबनी हो जाती है, इसमें जब 3 से 4 पार्टीज आपस में इश्तराक करती हैं इतिहाद करती हैं तो वो अपने अपने मफादात की तरजीह करते हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ होती है, उनका नज़रिया मुख्तलिफ होता है, और जब इनके मफादात पूरे नहीं होते गवर्नमेंट की तरफ से तो ये इतिहाद टूट जाता है और मज़ीद गैर मुस्तहकम सियासत हमें देखने को मिलती है। किसी भी सियासी जमात का जो वाज़े अक्सरियत का फुकदान होता है ये भी ज़ाहिर करता है कि लोग इन शराकत दारों में से किसी पर भी एतमाद नहीं करते। देखिए साफ ज़ाहिर सी बात है, जब एक हुकूमत कोई एक पार्टी इलेक्शन के दौरान एक वाज़े अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहती है और जो अवाम के जो वोट होते हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज में तकसीम हो जाते हैं, तो इसका साफ मतलब है कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसके ऊपर हमारी अवाम का जो हमारा है वो मुकम्मल तौर पर एतमाद हो, और इसी वजह से सब कम हमायत से फ़ायदा उठाते हैं। ये लोगों की वाज़े मर्जी है कि जो इनकी पसंद का इजहार है, और एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम कायम करती है जिसकी आवाम जो आम आवाम है उसकी भरपूर हमायत हासिल हो, वो हुकूमत को थोड़ा सा टाइम मिले 5 साल पूरे वो उसको गुजारे, लेकिन इस चीज़ का फुकदान पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनती है। नेक्स्ट और लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पर एंड करें और उसके बाद हम पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स में सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे।